हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। फिर से लेके आ चुका हूँ नया रिक्रूटमेंट। ऑफिशियल रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें रिक्रूटमेंट किया जा रहा है गवर्नमेंट स्कूल में फॉर द पोस्ट ऑफ नॉन टीचिंग स्टाफ। आज उसी के ऊपर बात करने वाला हूँ। नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए अगर आप लोग एप्लीकेशन करना चाहते हो, किस तरह से एप्लीकेशन करना है, क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सब कुछ। नॉन टीचिंग स्टाफ के इस पोस्ट के लिए एप्लीकेशन करने के लिए 1000 वैकेंसीज लेके इस बार की ऑफिशियली रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें 12th और ग्रेजुएशन पास करने वाले एप्लीकेशन कर सकते। नो फीस, नो एग्ज़ाम, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट किया जाएगा फॉर द पोस्ट ऑफ नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए। इसमें एप्लीकेशन करने के लिए एक एक जानकारी आप लोगों को देने वाला हूँ। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के डिटेल भी आप लोगों को बताऊँगा, किस तरह से फॉर्म को फिलअप करना है, क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सब कुछ। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं आज की ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इसमें तो टीचिंग के पोस्ट निकल के आया है, बट देयर इज़ सम पोस्ट ऑफ नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए, जैसे कि जूनियर असिस्टेंट एंड लेबोरेटरी असिस्टेंट कम स्टोर कीपर की पोस्ट है। टोटल यहाँ पे आप लोग देखोगे तो इतना ही वैकेंसीज, बट जो लोग टीचिंग के लिए एप्लीकेशन करे, इसके अलावा बहुत सारे जो है यहाँ पे पोस्ट निकाल के आया है, जैसे कि लेबोरेटरी असिस्टेंट कम स्टोर कीपर, फिजिक्स डिपार्टमेंट, केमिस्ट्री, बोटनी, जियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, एडुकेशन, जियोग्राफी, जियोलॉजी, होम साइंस, फिजिकल साइकोलॉजी, इन सारे डिपार्टमेंट में बेसिकली रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो अगर आप लोग एप्लीकेशन करना चाहते इनमें से कोई भी एक पोस्ट के लिए आप लोग एलिजिबल हो एंड एप्लीकेशन कर सकते हो। इसके बाद आता है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर एज क्राइटेरिया, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि है 21 से 38 ईयर्स तक आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो। तो जितने भी कैंडिडेट देख रहे हो, एप्लीकेशन अगर करना चाहते हो तो इस पोस्ट के लिए एप्लीकेशन करने के लिए आपको सारे जानकारी देने वाला हूँ। एज लिमिट की अगर बात किया जाए, 21 ईयर से 38 ईयर्स तक आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो। यहाँ पे आपको एज इलेक्शन भी मिल जाएगा। तो जितने भी कैंडिडेट एप्लीकेशन करना चाहते हैं, यहाँ पे आपको एज इलेक्शन मिलेगा। SC ST होने के लिए आपको 5 ईयर्स, OBC होने के लिए 3 ईयर्स तक के एज इलेक्शन आपको मिल जाएगा। ये जो है गवर्नमेंट रूल के हिसाब से रखा गया है। तो जितने भी कैंडिडेट एप्लीकेशन करना चाहते हैं, कुछ इस तरह से आपका जो है आपको रखा गया है। तो इसके बाद आता है और क्या एलिजिबिलिटी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात किया जाए, तो कैंडिडेट आपको 12th पास होना चाहिए जूनियर असिस्टेंट के लिए। अगर आप 12th पास है तो डेफिनेटली आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और इस पोस्ट के लिए आपको बैचलर डिग्री, लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए बैचलर डिग्री भी आपके पास होना चाहिए, तभी आप लोग जाके एप्लीकेशन कर सकते हो। तो जितने भी कैंडिडेट एप्लीकेशन करना चाहते हैं, उनको ऑनलाइन में एप्लीकेशन के बता दिया जा रहा है कि आप लोग यू कैन अप्लाई फ्रॉम ऑनलाइन। तो जहाँ पे आप लोग ऑनलाइन में एप्लीकेशन कर सकते हो, ऑनलाइन में एप्लीकेशन करने के लिए आपके पास ऑनलाइन एप्लीकेशन के कॉपी, AJSC की सर्टिफिकेट, मार्कशीट, सब कुछ लेके आपको एप्लीकेशन करना होगा। तो जितने भी कैंडिडेट देख रहे हैं एप्लीकेशन करना चाहते, इन सारे डॉक्यूमेंट्स को लेके आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना होगा। तो दोस्तों, अगर आप लोग एप्लीकेशन कर रहे हो, इसके ऊपर बेस करके सिलेक्शन किया जाएगा। तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जहाँ से आप लोग आपका एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को और भी कुछ जानकारी चाहिए, डेफिनेटली कमेंट कीजिएगा हर बार की तरह, जैसे कि आप लोगों को कमेंट में रिप्लाई दे देता हूँ, इस बार भी आपको कमेंट में रिप्लाई दे दूँगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।